तो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो निधम और ऐसे प्रसंग बनेंगे सिवियर फेलियर के जो लाइट जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने दी एक बार सुबह में बड़ी आग लग गई और पूरी एडिसन फैक्ट्रीज जल गई एडिसन को किसी ने बताया वे चले सुबह में देखा कि इट तो वॉज अप ऑफ एशेज छोटे बच्चे को साथ में लेके गए थे और बच्चे को बताया कि गो एंड कॉल योर मदर क्यों ब, क्यों शी माइट नॉट हैव सीन अ बिग हीप ऑफ एश इन हर लाइफ कितने स्थिर थे और एडिसन की पत्नी जब आई तब वो पत्नी तो एकदम जमीन पे गिर पड़ी कि हमारी फैक्ट्री की पूरी जल गई है फैक्ट्री एडिसन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको स्टेबल किया और एडिसन बोले ऊपर देख के थैंक गॉड ऑल माई स्टार्ट अगेन और ये इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट हमको दी उस उन्होंने बोला कि भगवान आपका आभार मेरी सब गलतियां जल गई वो गलतियां नहीं थी जब तक वे अस्तित्व में थी तब तक वे रिकॉर्ड से डेटा था यू गॉट माई पॉइंट जब तक वो पेपर थे जब तक फैक्ट्री जल नहीं गई थी लेबोरेटरी थी तब तक वो सब क्या था रिकॉर्ड्स और डेटा था एक बार जल गई यहां अभिगम बदल दिया गलतियां थी जल गई आई स्टार्ट अफ्रेश गिव दिस कहां से इतना बल आता है इस परिस्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था कि लंदन में एक भव्य शिखर मंदिर करना है हैरो वहां एक एरिया है वहां हमने जमीन भी ली लेकिन नेबरहुड में सबने ये प्रश्न उठाया कि ये लोग 12 बजे तक घंट बजाएंगे आरती करेंगे तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी अब ऐसा तो करते नहीं है हम लेकिन वहां एक सिग्नेचर कैंपेन होता है वो भी एक पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस है उन्होंने वे वो किया और ज्यादा सिग्नेचर लोकल से उनकी हुई तो कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि बीएपीएस कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ मंदिर वो यहां मंदिर नहीं बांध सकते और हम केस हार गए प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फोन किया वहां लंदन से कि स्वामी जी हम केस हार गए प्रमुख स्वामी महाराज के साथ हमारे बड़े सदगुरु संत पूज्य विवेक सागर स्वामी थे उन्होंने यह प्रसंग सुन... प्रत्यक्ष देखा प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पे एक वृंकल भी नहीं फरी प्रथम वाक्य वे बोले जैसी भगवान की इच्छा दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने तो अपना पुरुषार्थ सही भावना से किया था अब परिणाम जो भगवान की इच्छा है वो हम स्वीकार लेंगे और तीसरा वाक्य बोले कि हमने तैयार किया था वो मंदिर तो करना है और कोई जगह ढूंढना चालू कर दो मंदिर तो जरूर बनाएंगे और बनाया और इडर्स नाइनटी फाइव में जब प्रतिष्ठा हुई तब लिखा इट इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड शायद आप लोगों ने किसी ने वो मंदिर देखा होगा निजन में इट इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से ये बात सफलता के लिए सीखनी है जब सेटबैक आए जीवन में कोई फेलियर आए कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए तब ये इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पुरुषार्थ किया था हाँ तो अब भगवान की इच्छा जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार है लेकिन अब जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है और जो तैयार किया वो करना तो है ही